से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। मैं ना जहां जाऊं ना आसमां जाऊं, आ जा हिस्से में तू मेरे। तू ठंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ठंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मिर्ज़ा गालिब कह गए कि होगा कोई ऐसा भी के गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। हाय हाय, होगा कोई ऐसा भी के डीजे को ना जाने, गाता भी वो अच्छा है तेज गाम बहुत है। झूठ बोले कबा काटे काले कपड़े से डरियो, वजीरे खजाना ने बिजली गैस टेलीफोन और हमारी सांसों पे टैक्स लगा दिया, तुम देखते रहियो भाई। देखो देखो सिनेमाओं में बम धमाके, देखो 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 पीसीबी में नजम सेठी की वापसी, देखो और देखो देखो इंडियन टीम की असलियत देखो। बस अब सुर में आ जाए साहब, क्योंकि मेरे दिल की है आवाज, अब तो शरीफ लाते हैं नुमान जवाब। इतना अच्छा लगता है जब मैं अपने सामने इतने प्यारे प्यारे चेहरे देखता हूँ, इतने खूबसूरत ऑडियंस देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, मिस्टेक को देखता हूँ, डार्लिंग डीजे को देखता हूँ, अपने म्यूजिशियन भाई लोग और हम सब की तरफ से आप सब लोगों को वेलकम है मुज़ाकरात में। और आप लोगों के लिए खबर है, इमरान खान साहब ने नजम सेठी साहब की बतौर जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती हुई है उस पर इल्जाम लगाया है, और उन्होंने कहा है कि 35 पंक्चर लगाने का सिला मिला है सेठी को। यानी ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। लो जी बड़ी गल की थी है जी, अरे चिड़ी बिचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। नजम सेठी साहब ने क्या पंक्चर लगाने हैं जो चाची होनी पंचर लाने। हाय हाय, तो पंचर लान से मेरा डोना होए ने। नजम सेठी साहब क्या पंक्चर लगाते होंगे जो हमारे चाचा पंक्चर लगाते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड मीडियम पेसर पंक्चर लगाने वाले हैं। अरे मियां ओले, चाचा लेफ्ट हैंड से पंक्चर लगाता है और राइट हैंड से जेब काटता है, ये ऑलराउंडर मुजरिम है। पेंशन लगाने में मेरे आइडियल चोरी शुजात हुसैन साहब है। अच्छा, हाँ लकड़ी की काट के पहिए नहीं होते लकड़ी के। हाँ बस हम तो समझ गए। नहीं नहीं उन्होंने मतलब कि हाँ होते हैं लकड़ी के काट के जो पहिए होते ना उनको पेंचे लगाना मैंने उनसे सीखे। सेठी साहब के बाद जका साहब की बात तो आप लोगों ने सुनी ही नहीं। अरे हाँ सुनाइए ना। जका साहब कहते हैं कि मेरी इस तब्दीली के पीछे इंडियन लॉबी का हाथ है, लो कर लो गल। ओ जका हम समझदार चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। मरने दे चिड़िया को यार, जेड़ी गल ओ सुनिया करो। चाची ही साडी है चाचे दे घरों, जेड़ी हांडी च मिर्चा तेज पा दिंदियां सर। जो तुम्हें मिर्च तेज बोली चाचे ने कहना है पीछे इंडियन लॉबी का हाथ है। नुमान भाई आप मुझे बताएं कि चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी रहे। मेरा मतलब कि क्रिकेट दे विच सियासत क्रिकेट का नुकसान नहीं यार? ऑफ कोर्स है, देखो ना क्रिकेट में सियासत अगर है तो फिर सियासत में भी तो 2020 होना चाहिए। और वैसे भी लोग बहुत नाला हैं कि हुकूमत जो है अपने जो फेवरेटिज्म जो कर रही है, अपने पसंद के लोगों को जो बड़े बड़े ओहदों पे अपॉइंट कर रही है, दिस इज नॉट फेयर। उन लोगों को लाना चाहिए जो वाकई डिजर्विंग है और जो मेरिट पे पूरे उतरते हैं। अब अदालत ने ये चेंज ओवर का नहीं कहा था, इसका मतलब यह है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती पर हुकूमत ने अदालत के फैसले की हुक्मदौली की है। अजी ये तो वो बात हुई कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, यानी जो हमारे वजीर आजम थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे वजीर आजम से हटा दिया गया है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि इट इज नॉट इन टू माई नॉलेज। वो इंग्लिश बोल रही
अंग्रेजी ओ बोल देने जिन्हां दे सारे मुल्कों बाहर हो ते तेरे ते सारे अंदर ने। आज हमारे मुजाकरात में जो दो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मुझसे मैं पहले मेहमान का तारुफ करवाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है, बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं। हमने जब उनसे रुजू किया प्रोग्राम में बुलाने के लिए तो समहाउ दीदर फ्लाइट्स का कोई मसला था, तो हमने उनसे कहा कि हम सरकार आपको गाड़ी भेज देते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत पड़ी है, मैं देवो पे आ जाता हूँ। इतनी सादा तबीयत। और ये वो क्वालिटी है जो आज के सियासतदानों में मुझे तो नजर नहीं आती। पखैर राखले कहते हैं, जी आया नु कहते हैं, जनाब मियां इफ्तिखार हुसैन साहब। बनके मेरा परवाना आएगा इफ्तिखार गाना, कह दूंगी दिल भर जाना, बखैर अगले क्या कुर्बान या कुर्बान। बनके मेरा परवाना आएगा इफ्तिखार गाना, कह दूंगी दिल भर जाना, बखैर अगले क्या कुर्बान या कुर्बान। अमिया साहब के साथ जो हमारी साथी यहाँ मौजूद हैं, हमारी कुलीग हैं, और मैं जब मेरे ख्याल में 9 साल का था तब से मैं उनके ड्रामे देख रहा हूँ। पहले दिन भी वो ऐसी थी और माशाल्लाह आज भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। वक्त और हालात ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं जाना मलिक साहिबा को। ऐसी बात जरूर करेंगे, हालांकि बात तो ये है, मेरी तो नानी ने बचपन में आपको देखा हुआ है। एग्जैक्टली, वो कहानियां सुनाती थी कि वो देखा इनका ड्रामा। और वो नानी कहते थे कि बच्चों एक नुमान होता था, उसके साथ एक जिन होता था, दोनों ड्रामों में आया करते थे। एक जादूगर होता था, वो सबके दरमियान में बैठा रहता था। तो एक जादूगर की बेवा थी, वो कोने पे बैठी होती थी। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और दूसरी बात ये बताइए कि ये मियां इफ्तिखार हुसैन पूरा नाम माशाल्लाह आपका, यहाँ पेशावर के मियाओं में और ये पंजाब के मियाओं में फर्क क्या है? आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे हालात में ऐसे प्रोग्राम के लिए मुझे मधु किया है, शायद मेरा भी पहला तजुर्बा है। मैं प्यार से ये बात दोहराऊंगा कि इन जैसे साथी और आप जैसे साथी बेफिक्र रहें कि हम जैसे लोग होंगे तो इस मुल्क की बका की खातिर दहशतगर्दों से लड़के यानी इसकी बका के लिए जान देंगे, लेकिन आप लोगों को खुशी देंगे गम के। अरे रही ये बात के मियां, तो हाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा का मियां अलग है और पंजाब का मियां अलग है। यहाँ पे जिसके पास दौलत हो वो मियां होता है। हमारे पुख्तूनख्वा में जो अस्ताने वाले हो यानी जो के वली की औलाद हो, बुजुर्ग की औलाद हो, अच्छा पैसा तो नहीं है लेकिन वो एक एहतराम जो मजहब के हवाले से है, तो हमारा अपना अस्ताना है इसलिए हमें मियां कहा जाता है। तो ये एक एहतराम की अलामत है जहाँ पे हम मियां कहते हैं। जी माशाल्लाह। आपकी पार्टी तो एक्शन पे बिलीव करती है, तो आज ये जो मेरी मजाकराती थीम है इसके साथ क्या करेंगे, मजाकरात करेंगे या कोई एक्शन करेंगे? सर मजाकरात ठीक है, नहीं आपसे तो चेड़ मुझे पता है कि फिर मुझे महंगा पड़ेगा। तो जाना के साथ क्या किया जाए, मार दिया मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ओ तेरे साथ क्या, तुम जो पेंटर के फटेर का कुर्ता पा लिया है, वेरी फनी है, इसको ऊपर गौर से देखो। अजी वाह, लगा टंगा हुआ है। अरे लगता है कमीज ना गमले जो लाई थी तो कड़ी। अरे गुलदस्ते बने हुए ऐसे ऐसे प्यारे फूल है, तुझे नजर नहीं आता अंधे ने हो जाना? बचपन से ही लोग पता चल जाता है कि आपने बड़े होके किस फील्ड की तरफ जाना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यू नो आपकी पर्सनैलिटी से निकलना शुरू हो जाती है एज यू ग्रो। ओके,
جو سیاست میں ہوتے ہیں لوگ وہ کالج کی دور سے ڈبیٹ میں چلے جاتے ہیں اور سیاست میں چلے جاتے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ لائر بن جاتے ہیں. خیر ابھی بھی ماشاء اللہ. تو آپ بتائیے کہ کیا آپ میں بھی کوئی ایسے جراثیم تھے بچپن سے یا اچانک حملہ ہوا ہے؟ چھوٹے ہوتے آئی وانٹڈ ٹو بی اے رائٹر اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بی اے شیف. مجھے کھانا پکانے کا ابھی بھی بہت شوق ہے. ہم آپ کو مانے اگر یہ بینگلوں کا بھرتا بنا کے دکھائیں. ایسا بھرتا دہی منگوائیے, دماغ منگوائیے, دہی بناتے. بھیا صاحب بیٹھے ہیں ایک طرف جانا پھولوں کے ساتھ, یوں لگتا ہے پہاڑی علاقے میں پھول اگے ہوئے ہیں. پہاڑی علاقے میں پھول اگے ہیں, پہاڑی پہ بکرا بھی بیٹھا ہوا. یہ تو گانا اب سیٹ ہوا لارشپ خبر تھے کمی سور مال رہا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال رہا. ترجمہ بھی بتائیے ذرا جانا کو. لارشپ خبر تھے کمی سور مال رہا, جب پشاور جاؤ تو میرے لیے کمیز لے کے آنا, کالی کمیز لے کالی کمیز اور درے سلور مال رہا جس کے اوپر تین چار پھول بنے ہوئے. بہت مزیدار باتوں کا سلسلہ جاری ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ, لیکن ہماری مجبوری, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ڈی جے کبھی آ مل سا بل یار وے, مینو بھولیا نی اپنا ادار وے, میں ہویا تیرا شکار وے, میرا بند بیکارو بار وے, سن اصلے دی چنکار وے, تیری بلٹ پروف بیکار وے. میاں صاحب یہ کہاں جانا کو بڑا اہم نام ہے. جانا تو ہر ایک جائے گا اور یہ تو ملک کی جان ہے نا. ویلکم بیک ٹو مذاکرات, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. میاں صاحب کے حوالے سے ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ میاں صاحب بہت لاڈ کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ اور صحافیوں کے بڑے لاڈلے ہیں, یہ بتائیے تھوڑا سا. بالکل. کیا پہلے صحافت سے؟ بالکل صحافت سے. میرا بیٹا جو شہید ہوا وہ بھی جب فارغ تھا تو وہ صحافت ہی کیا کرتا تھا, اور مجھے خود بھی اگر میں سیاست نہ کرتا تو میں ایک صحافی ہوتا, اور میں وہ صحافی ہوتا کہ اپنے کندھے میں بیگ ڈال کے گلی کوچوں میں جا کے لوگوں سے پوچھتا, نہ کہ دفتر میں بیٹھ کے صحافی بنتا. یعنی عوام سے رابطہ رکھ کے ایک صحافی ہوتا. مجھے بالکل یہ فخر ہے اور صحافیوں سے اسٹوڈنٹ لائف سے ایک واسطہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بڑا پیار دیا ہے, اور جب انفارمیشن منسٹر بنا تو اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے بھی اسی طرح تھے, آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ آج بھی آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ وزارت کے بعد بھی اسی طرح ہیں. لہذا تعلق رکھنا ہے تو پھر وہ تعلق ہوتا ہے, اس میں رتبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. آج بھی مجھے صحافت بھی پسند ہے اور صحافی بھی پسند ہے. جی 13 سال کی عمر سے جانا یو ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ؟ یس آئی ڈیڈ. اور اتنا کانفیڈینس یہ کہاں سے؟ یہ کہاں سے؟ بس خود سے ایسے ہی. اٹ واز جسٹ اے فلو. بارہ ریڈی تو مل رہے. کانفیڈینس پنجی کے روپئے کا بندہ لے لو, ہفتہ لگ جاتا ہے. جانا بائی برتھ ہی کانفیڈینٹ. اچھا جی ہاں. آئی گیس مے بی. سو آئی واز ٹیلنگ یو, تو مجھے کبھی بھی شوق ایسا نہیں تھا کہ میں کیمرے کے سامنے آؤں اور میں ہیروئن بن جاؤں اور میں ایک اسٹار بنوں اور یہ سارا کچھ ہو, ایسا نہیں تھا بالکل بھی. لیکن وی واز سٹنگ ایک فیملی فرینڈس کے ہاں اینڈ ایوب خاور صاحب واز دیئر. میں آڈیشن لیا اور پھر بس پھر یہ اچانک ہو گیا, سرپرائز ہو گیا اینڈ آئی نیور لکڈ بیک. اچھا پچھلے دنوں میں آپ کے بال بھی کٹے ہوئے تھے بہت چھوٹے. ہاں وہ کیوں؟ مجھے تو پکا لایا. جانا فلمیں بھی کی زور اور محافظ سے زور, تو کیا اس کے بعد کیا زور ختم ہو گیا فلمیں کرنے کا یا تو محافظ نہیں رہا؟ نہیں آئی جسٹ نہیں, ٹیلی ویژن میں زیادہ کام ملنا شروع ہو گیا, سو دیٹ از مچ مور کمفرٹیبل فار می. سو ابھی دیکھو, ابھی پھر دوبارہ سے ٹرینڈ شروع ہے موویز کا, سو لیٹس سی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی کر رہے ہو فلم؟ ابھی بتاتے تھوڑی ہوتے ہیں. کیا پوچھنا چاہ رہا تو جانا, یہ جو آپ کا نام ہے جانا, جی یہ گھر والوں کی مرضی سے رکھا یا فینس کی سہولت کے لیے؟ نہیں ان کو نا مما منع کرتی تھی کہ ادھر نہیں جانا, ادھر جانا, ادھر نہیں جانا. ہاں ادھر نہیں جانا تو پھر جانا ہو گئے. ویری سیڈ, ویری بیڈ. اچھا نہیں, میرا اپنا اوریجنل نام ہے, بلکہ امی کو شاعری بہت کم سمجھ آتی ہے, سو ایک شاعر ان کو کہیں سمجھ آ گیا کسی اردو ٹیچر کے اس سے, تو وہ تھا غالب کا شعر تھا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن,
بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تو وہاں سے ان کے ذہن میں یہ اٹک گیا کہ یہ بہت اچھا ورڈ ہے, بہت اچھا نام ہو سکتا ہے, ویری ڈفرنٹ. یہ شعر نہ ہوتا تو آپ گمنام ہی رہتی ہے. نہیں, بیکاز کے پی کے میں یہ نام کافی کامن ہے, وہاں جانان کہتے. میں نے ڈرامہ کیا تھا, اس میں مجھے ایک گاڑی دی تھی انہوں نے جو کہ ڈالا ٹائپ تھی, جو آپ لے کر بھاگ گئے تھے, اور اس گاڑی کا نام تھا ڈرامے میں, بکاز پٹھان کا رول کیا تھا تو اس نے اپنی گاڑی کا نام جانا رکھا. میرا صاحب یہاں جانا کو بڑا اہم نام ہے. جانا تو ہر ایک جائے گا, اور یہ تو ملک کی جان ہے نا, ملک کی جان. جانا ملک کے ختم, جانا ملک, یہ رحمان ملک, بینا ملک, یہ سارے آپس میں. میں ویسے ککے سے ہی ملک ہوں, باقیوں کا نہیں مجھے پتا. اب وقت ہوا ہے آج کے ویڈیو کلپ کا, چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کلپ. ہاں سمینا بہن, قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. یہ ہے تمہارے غریب بھائی کا گھر. ارے بھائی سمینا کہاں ہو؟ اے سالے صاحب, یہ دیکھیے آج ایک بہت بڑی فرم میں افسر کی نوکری مل گئی ہے. 5,000 روپے ایڈوانس ملا ہے اور ہر مہینے تنخواہ 5,000 روپیہ. ارے بھائی سالے صاحب, بیگم صاحب, دنیا نے سمجھایا لیکن سیکھی نہ ہوشیارے, ہم تو رہے اناڑی, ہم تو رہے اناڑی. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا, فٹافٹ اپنا موبائل فون اٹھائیے, ایس ایم ایس کر دیجئے ہمیں اس فلم کا نام جہاں سے یہ ہم نے ویڈیو کلپ لیا ہے. آپ ہماری دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی اس فلم کا نام لکھ کر بھیج سکتے ہیں. شرط وہی ہے, پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں آپ کا جواب مل جانا چاہیے. جی ڈیجے بابے کی کوئی پیوے دے کی کھاوے, غربت ہر دم بدلی جاوے, کدی بھی سکھ داسا نہ آوے, رکھے کوئی بم تے کوئی چپ چپیتے کھا کر جاوے. ہائے, جب سے پروگرام شروع ہوا پہلی دفعہ میں نے دیکھا کسی کو یہ کرسی کھلی ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. ہماری انڈسٹری کے بہت بڑے بڑے نام ہیں, جیسے فردوس جمال صاحب ہیں, کبھی خان صاحب ہیں, ان سب کا تعلق پشاور سے ہے. دلیپ صاحب, پرتھوی راج, انیل کپور, تمام ساری فیملی, یہ ان سب کا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے. تو دلیپ صاحب کی جو رہائش گاہ تھی وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اس پہ ہم مجسمہ لگائیں گے, ایک یادگار بنائیں گے یہاں پہ ہم, اور اس کو بڑا اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کی جائے گی. آپ کی پارٹی کے بعد کیا ابھی بھی وہ کام ہو رہا ہے یا بند کر دیا گیا؟ اچھی بات ہے, ایک تو دلیپ صاحب کی بات کی تو اس کو تو اس سوارے سے بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے گیا اور آج بھی انڈیا کے فلم انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ ہے. بے شک, نو ڈاؤٹ, ایک ہمیں اس پہ فخر ہے. اس سوارے سے اس کا ایک گھر ہے, یہاں پہ پشاور میں رہا کرتے تھے, تو میں اس کو یعنی کلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے خرید رہا تھا کہ اس کو کلچر ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے اور لوگ آ کے اس کو دیکھتے رہے, یعنی حکومتی ورثہ بنے. لیکن اس حوالے سے کافی رکاوٹیں تھی, پھر بھی میں نے جاتے جاتے اتنا ضرور کیا کہ 3.5 کروڑ روپے اس کے لیے رکھے ہیں اور ان کے مالک سے بات ہوئی ہے. تو میں اتنا کہوں گا کہ کوئی تلخی نہ ہو تو موجودہ حکومت سے یہ مہربانی ہوگی کہ ہمارا وہ ادھورا کام پورا کر کے اس گھر کو یعنی محفوظ بنا لے بجائے اس کے کہ وہ مٹ جائے. تو یہ ایک ثقافت کی بھی خدمت ہوگی اور دلیپ صاحب کی نشانی بھی ہمارے ہاں زندہ رہے. جب سے پروگرام شروع ہوا پہلی دفعہ میں نے دیکھا کسی کو یہ کرسی کھلی ہے. جانا سے پیاری پیاری باتیں کر جانا, جو پہنچی میں نے بھیجی ہے وہ پہنچی تم کو پہنچی ہے, اگر پہنچی ہے تو لکھ بھیجو کہ پہنچی مجھ کو پہنچی ہے. یہ سب اے ایم پی کی اور اردو سپیکنگ کی کیا لڑائی ہے؟
हमारा तो किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो सारे जहां में प्यार बांटने वाले लोग हैं, अमन की बात करते हैं और शुरू दिन से लेकर आज तक वही बात करते चले रहे हैं कि तशद्दुद से नफरत है, अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, प्यार और मोहब्बत से अमन के मतवाले हैं। लिहाजा ये बात करना कि उर्दू उर्दू वाले भी हमारे जान हैं, पंजाबी भी, सिंधी भी, बलोची भी और पुख्तून तो है ही, लिहाजा इस हवाले से हम एक हैं और ये गुलदस्ता है, गुलदस्ता। तो इसमें जो भी फूट डालेगा वो हमारा दुश्मन होगा, वो हमारा दोस्त। अच्छा, इतने इतने ही प्यार से आप भाभी के साथ भी ऐसे ही इतने ही प्यार से बात करते? बिल्कुल। तो भाभी नाल की छाते च कारतूस रख के गल करे? नहीं, इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं होती कि भाभी के सामने कुछ कहे। स्टूडेंट लाइफ में फिल्में वगैरह तो आप देखते होंगे, कौन सी फिल्में देखी और कौन सा? बहुत सारी फिल्में देखी। अच्छा हुआ कि आपने मेरी शौक की बात आप कर दी। अरे वाह, कि मोहम्मद अली साहब मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, अली भाई, और उसका अंदाज, उसका डायलॉग, सब कुछ। जेबा तो थी ही सबको प्यारी जी, और दिलीप साहब पसंद थे और मधुबाला। मधुबाला की आंखें बहुत पसंद थी, उसकी तमाम अदाएं पसंद थी। जब पसंद हो फिर एक चीज पसंद नहीं होती, फिर तो सारा ही बंदा पसंद होता। मधुबाला ने हमारे बड़े बुजुर्गों को खराब किया है। लेकिन आपकी दुआ है कि हम अभी तक ठीक हैं। इफ्तिखार साहब, घर का माहौल कैसा है, सियासी या नीम सियासी? अगर आप सिर्फ घर बार की बात करते हैं वो अलग बात है, अगर सियासत की बात करते हैं तो वो तो मुझे ही मानते हैं। नहीं, घर बार की बात कर रही हूँ मैं। तो लाजमी घर की सियासत तो घर वालों को करनी पड़ती है। हर जगह पे कब्जा नहीं करना चाहिए। आप देखें, दो सवाल करके थक गई। अब जाना मलिक, आपसे पूछूंगी कि आप काफी अरसे से शोबिज में हैं, लेकिन जिस तरह आप पहले फ्रेश थे आज भी वैसे ही फ्रेश और खूबसूरत हैं, क्या किसी अदालत से स्टे लिया हुआ है? ये बात कभी भाई देखा, ये जाना से ये कंप्लेंट सिर्फ मैं नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। बताइए। हाँ, नहीं पता नहीं, गुड जेनेटिक्स आई गेस। मेरी नान के जो है वो कश्मीरी भी हैं, और थोड़ा सा मर्दान का भी थोड़ा सा मिक्सचर है बीच में। कहाँ फैले हम, पूरे पाकिस्तान, पूरा मुल्क है हमारा अपना, तो हर जगह पहुंच जाती। ये सर, हमें सिर्फ लिंक ढूंढना है, वी ऑल आर रिलेटेड, माई बिलीफ इज दिस। है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर पिशावर है तो उसका अपना मजा है, लाहौर है उसका अपना मजा है, क्वेटा का अपना मजा है, कराची का अपना मजा है, और खुदा ये मजा बरकरार रखे। नमाज का ही पते की बात आपको बता रहा हूँ, आप भी सारे सुन लो। बताओ, नारे पाकिस्तानी यादगार। हाँ, चबुरजी नाल मंगया सी मान से, यादगार ने जवाब देते ही। क्यों भाई? चबुरजी के पर्स चो फैसलाबाद घंटा करती है तस्वीर निकल आई। यादगार तुम पता अगला बंदे है खिलोन वाला, उन्हें जवाब देता कहने चबुरजी आवारा जी चौंक च खड़ी रही ढोलों के वड़ के सुते रहते। इन्हों दोनों का रिश्ता कराया सी लाड़काने ने, लाड़काना तो साबकाबाद, दो मासी फूफी देने ना। हाँ, तो साबकाबाद मंगया सी विहाड़ी वाल, बूरे आले ने तो चीचा वतनी ने रल के इन्हों का विह कराया सी। अच्छा, हाँ जी, समुद्री नहीं समुद्री, हाँ रजाने लाउंदी जांदी। चूड़काना तो पिंडी पट्टियां, दोवे आप च सांडू ने ना। मैनू सारा कुछ दसिया ननकाना साहब ने। क्यों भाई? ननकाना साहब से जड़ा आला, दोवे क्लास फेलो ने ना। जड़ा वाले के हाथों हड़प्पा मरिया। ईमानदारी तुसी किसी जा पिछे जो पिंडी का हैदराबाद का रौला सुनिया सी ना, उस अल्लाह ने बाईपास दिता ही। हुण पिंडी दोतरिया पोतरिया हो गई, नाल टूल प्लाजे भी ने। इसको क्या पता, साधो की और कामों की दोनों शौकने हैं यार। साधो की तो कामों की, तुहानू की तो सानू की। सही बात है, हमारा क्या ताल्लुक इस बात से? गल किसी ने करनी नहीं चाहिए, गल कहनी तू मेरे मुंह कड, मैं तेन पिंडो कड़ा। गड़ी सौ नी गड़ी सौ, गड़ी सौ ते इछरा, राती तो भी शराब पी के मजांग गल। मैं क्या किधर, कहना जी समनाबाद का विह उधर आए हैं, इन्होंने भेजे जौहर टाउन ने। अच्छा, जौहर टाउन तो पंजाब सोसायटी की लगती फरती है ना, तो मुल्तान रोड इन्होंने सपोर्ट करता।
अच्छा। मुल्तान रोड ते जेल रोड दोनों आपस च कजन ने ना नीला नीला गुंबद ने अनारकली दे नाल मौसीकी से आपको कोई लगाव हो किसको सुनते हैं मौसीकी से काफी लगाव है और बचपन से है पहले तो नाशनास को सुना करते थे और ख्याल मोहम्मद साहब उर्दू के और गुलनार बेगम कमर गुला और उर्दू में मेहदी हसन साहब तो उसका तो क्या कहना और मैडम नूर जहान और नसीम बेगम जो के आजकल के लोग कम जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल और इंडिया में तो रफी साहब और लता का तो नाम ही क्या है लेकिन तलत महमूद साहब भी मुझे काफी पसंद और सुना करते थे बिल्कुल बड़ी वसी चॉइस है आपकी तो कोई ऐसा एक गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं मैं शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब जो उसका गाया हुआ गीत है कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा मैं तो मर गए भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं उन्होंने आई लव यू कहना जाने सरबल पे होना मोहब्बत की कोई जुबान नहीं जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अब हम अपने मेहमानों के साथ खेलेंगे 2020 ये सर आपसे शुरू करें सर इजाजत छोटे छोटे सवाल है जो आपके जहन में पहले आता है वो बोल दीजिएगा सर आने वाले इलेक्शन में क्या दिल करता है डू मोर या नो मोर दिल तो करता है कि नो मोर हो खुदा करे अमन आए कौन सा खेल पसंद है बल्लेबाजी या हुनरबाजी दोनों पसंद नहीं है बल्ले के हवाले से कुछ और तरफ इशारा है फिर भी खेल पसंद है कौन सा काम मुश्किल है सर दिल देना या बिल देना दोनों मुश्किल है दोनों मुश्किल दोनों मुश्किल है आप मुगल दौर में होते हैं तो क्या बनना पसंद करते सर शहजादा सलीम या जहांगीर मैं तो गरीब सा बंदा हूं मुझे इस गरीबी में खुश होना है इन दोनों में कोई नहीं बनना अच्छा इंसान को क्या होना चाहिए सर गुफ्तार का गाजी या किरदार का गाजी किरदार तो किरदार है आज भी याद है पहली तनख्वाह या पहला लव लेटर न तो तनख्वाह लिए नौकरी नहीं की अच्छा और मोहब्बत भी नहीं की इसलिए मोहब्बत का भूखा हूं कि मोहब्बत मिली नहीं है बहुत सत्य सर पसंदीदा शख्सियत सर अल्ताफ हुसैन या आसिफ अली जरदारी मुझे तो जरदारी साहब पसंद है कि इस हवाले से उनकी कुर्बत भी हमसे थी और एक इत्तेहादी भी हम रहे हैं और हमारे बहुत दीरीन मसाइल उन्होंने हल किए थे बिल्कुल ठीक सर कौन सा काम आसान है अपोजिशन को संभालना या बेगम को संभालना हमारे यहाँ बेगम को संभालना तो जरा आसान होता है बनिस्बत आपके यानी यानी तो आटा उन्होंने भी पता है सर इलेक्टेड कैबिनेट या किचन कैबिनेट किचन कैबिनेट अक्सर फैसले किया करते हैं और उनका आपस में राज होता है जमहूरी अंदाज में तमाम कैबिनेट हो तो अच्छा
इलेक्टेड कैबिनेट। ओके, आला क्यादत से अगर झगड़ा हो जाए तो रेस्ट करते हैं या एडजस्ट करते हैं? खुदा न करे हमेशा ही एडजस्ट करते, लेकिन हम बड़ों की इज्जत करते हैं, लड़ाई नहीं करते। कान किस चीज के आदि हो चुके हैं, धमाकों की आवाजों के या जलसों के नारों के? बदकिस्मती से धमाकों के। अल्लाह। अच्छा, नई गाड़ी लेंगे तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करेंगे, नसीब अखबल अखबल दे या पप्पू या अर्थांग न खा? कुछ भी नहीं लिखे, नई गाड़ी दो। जी कितने नंबर देंगे मियां साहब? हजरत साहब इनके पूरे के पूरे 100। अच्छा, इतने शफीक हैं और इतने मजे के इन्होंने जवाब दिए, मीठे मीठे जवाब। 100% सर, मेरी तरफ से 105 नंबर है। 100 प्रोग्राम के, 5 हमारी मोहब्बत के। अरे वाह, बहुत सही तालियां मियां साहब के लिए। जी जनाब, अगर आपको जेल हो जाए तो किसके साथ अपना सेल शेयर करेंगी, वीना मलिक या रहमान मलिक? दोनों दोनों, हम तीनों बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। गुस्से में सामने वाली की क्या चीज उड़ाना पसंद करती है, धज्जियां या उसका रंग? जब धज्जियां उड़ाती हूँ तो फिर उसका रंग भी उड़ जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कौन से लोग पसंद करती हैं, दिल देने वाले या तोहफे देने वाले? तो उसे वो दे दे, दिल में दे दूंगी। कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक या ग्रीन? आई गेस दोनों। ख्वाब में अगर किसी को मिलना चाहें तो इनमें से कौन आप प्रेफर करेंगी, गुलाम अहमद बलोर या आबिद शेर अली? मजा ले आगे जोड़ी कड़ी बनाई है। अल्लाह बिलाल जोड़ी। आप शेर अली साहब की तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, गुलाम अहमद बलोर साहब की बात आप कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने आई लव यू कहने में, उन्होंने आई लव यू कहना है सरबर पे, उन्होंने मोहब्बत की कोई जुबान नहीं। तो कितने नंबर देंगे ठाकुर साहब? मेरे तरफ से तो कोई 87 बनते हैं। बहुत सारी बातें छुपाई हैं ना। छुपाई नहीं, नहीं। आप पप्पू जी? मैं तो दे दूंगा तकरीबन 95 नंबर मेरी तरफ। वजह? पांच में अपने को भी तो रखने को है। जहां पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी से दोबारा वापस आते हैं, क्योंकि वहां पर उस वक्त बड़ा काम होता है। जी डीजे, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, मानेगी क्या बातें सारी गवर्नमेंट तालिबान की, अरब सकाफत आर्ट की बातें सुर में डूबी ठंडी रातें, हो गई हैं ना पैदावाजें रेडियो पाकिस्तान की, सिंध फेस्टिवल एनी प्रिंसेस वेखो बिलावल दा इंसाफ, खांसी के शरबत पे सुन लो ताने राहत खान की। हाँ मईशत पर चला है जो वो खंजर भी नकीला है, चल रहे हैं जिसपे सिस्टम वो ढीला है, जी वेलकम टू मुजाकरात। मुलाकात करवाते हैं आपकी इफ्तिखार अहमद साहब के साथ, जो हमारे 5 फरवरी के प्रोग्राम के विनर हैं और बजरिए कुरंदाजी और रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये मोटरसाइकिल जीते हैं। आइए इफ्तिखार भाई। तो इफ्तिखार भाई कहाँ से ताल्लुक है? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से ताल्लुक है, तो आपने वो क्लिप देखा था? जी बिल्कुल। तो कौन सी फिल्म से हमने वो क्लिप लिया था? दिल मेरा धड़कन तेरी। दिल मेरा धड़कन तेरी। फिल्म में देखने का शौक है आपको? सर पहले था जब जवान थे, अब तो जब फिल्म में भी अच्छी बनती थी। तो करते क्या है आप? इस्लामाबाद में इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है इस्लामाबाद। इफ्तिखार भाई चलानी आती है? जी चलाता रहा हूँ, लेकिन आप क्योंकि काफी छोड़िए, जब तक गाड़ी चला रहा हूँ ये नहीं चला रही, वजह से मेरी यार चाचा जी बुजुर्ग आदमी लो जी मैं छोड़ के ना गाड़ी चार्ज करके। तो मैं ठीक है जी पप्पू जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वहाँ तक वो ले जाए, बहुत सारी तालियां बजाइएगा मेरे भाई के लिए। बहुत बैठिए, आओ जी, बहेंगे नहीं होंगे बाबा की मैं बेगम बहनी हूँ जी, लो जी मैं पिंडी तक छोड़ के आया है। यहाँ मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ अपने 10 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, जो बजरिया कुरंदाजी जीते हैं रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई है मोटरसाइकिल, उनका नाम है आसिफ नदीम और नदीम भाई का ताल्लुक है साहिबाग से। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई है मोटरसाइकिल, बहुत सारी तालियां बजाइए।
آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنی اتنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے اسپیشلی پشاور سے آئے ہیں. ہمیں ہم سب کو ریلی بہت اچھا لگا ہے آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہوئے. اینڈ تھینک یو ویری مچ جانا جی, ویری سویٹ اینڈ کائنڈ آف یو. اپنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا. سر پروگرام کے اینڈ میں ہمارے ڈی جے ایک گانا پیش کرتے ہیں جو کہ ہمارے قوم کی دل کی آواز ہے. آپ کے خدمت میں سر پیش کرنا چاہیں گے. ختم اب گریٹ گیم ہو نہ اپنی شیم شیم ہو وزیر داخلہ بیانو.